अरे बारिश आ रही है। अरे ब्रो साइड रहिए प्लीज, थोड़ा आप साइड रहिए थोड़ा। हां ये साइड थोड़ा सा, आप लोग जगह दे दीजिए। राजेंद्र बिंदु जी Thank you.
पीछे हो जा 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 ये सबसे पहले तो मैं अपनी बाबा साहब का मैं थैंक्स देना चाहूँगा और पूरे खालसा कॉलेज का, शुरू से ही बहुत अच्छे काम करते आए हैं और आज ये बहुत बड़ा मेरे लिए मौका मिला है कि लोगों को वैक्सीन करना है और ख़ास करके इस दौरान जहाँ पे बहुत ही पूरा हिंदुस्तान इस टाइम बहुत ही कठिन समय से गुजर रहा है और वहाँ पर हर बंदे को ज़रूरत है। सो मैं खालसा कॉलेज को बहुत बहुत बधाई भी देना चाहूँगा और थैंक्स भी करना चाहूँगा कि इतने अच्छे काम वो कर रहे हैं और इतनी बारिश में आपने देखा है बहुत बुरा हाल है, बट खालसा कॉलेज हमेशा और बाबा साहब हमारे हमेशा अच्छे कामों में जाने जाते हैं। सो माय बेस्ट विशेस टू खालसा कॉलेज कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं एंड साथ में हमारे शक्ति जी हैं, शक्तिपुर साहब हैं, बिंदु बाजी हैं और बीबी जगीर कौर जी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इतना अच्छा काम, इतना अच्छा वो सपोर्ट कर रहे हैं। और हमेशा जो हमारे सिख हैं, हमारी अरदास में ही बोला जाता है कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबदा भला। सो मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैं सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ 24 घंटे लंगर चलता है हर गुरुद्वारे में, और आज आपने देख ही लिया है कि आज वैक्सीन का लंगर चल रहा है और हमारा टारगेट है 10,000, लेकिन आज आई गेस 500 लोगों को ही हम वैक्सीन कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द रेन। ऐसा है कि ये बात तो बहुत फैलती है क्योंकि सिख जो है वो हर शहर हिंदुस्तान में और पूरे देश में सेवा कर रहे हैं, वो क्या लंगर हो, कि वैक्सीनेशन ड्राइव हो और क्या वो कोविड हॉस्पिटल हो, ये सब पूरा सब लोग को इस चीज़ का पता चल चुका है। पर ये जो ड्राइव पहली बार हो रहा है जो बीबी जगीर कौर जी ने हमको प्रेरणा दी है कि आप फ्री करो, तो ये शायद मुंबई में ये पहला सेंटर है जो फ्री कोविड वैक्सीनेशन हो रहा है और बस अरदास करो कि ये पूरा हो जाए और सुख शांत से हो जाए। मैं क्या बोलूँगा भाई, बोलते हैं शेरों की कौम पंजाबी, तो पंजाबी हमेशा आगे खड़े रहते हैं कोई भी प्रॉब्लम आए, अगर भी आज तक हिस्ट्री में चाहे वॉर हो कुछ भी हो पंजाबी हमेशा आगे हैं। और वैसे ही बाबा साहब और मीका, सो प्राउड ऑफ देम कि ऐसा काम किया, ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरा नाम भी ले ले शक्ति जी आए हैं, वी आर प्राउड ऑफ यू मैन आदित्य भाई जी। मीडिया के भी साथियों के साथ भी और वहाँ पे हमेशा होशियारा में आपका रोज हजार लोगों को खाना का इंतजार जी जी जी। इस वैक्सीनेशन ड्राइव के बारे में क्या कहेंगे सबसे पहले वो जानना है। वेल मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खालसा कॉलेज का, बाबा साहब का, बीबी जगीर कौर का, ये मेरी प्रेरणा किरण जी जिन्होंने इतना अच्छा काम करा है। हमारा जो टारगेट है 10,000 है, लेकिन उसके लिए हमें आप सबकी सपोर्ट चाहिए, तो आई गेस टुडे हम मोर देन 500 लोगों को आज वैक्सीन लगा, ऑलमोस्ट 1500। हालांकि इतनी बारिश में भी ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, सो मैं बहुत लकी फील कर रहा हूँ कि आज इस अच्छे काम के लिए मैं भी आया हूँ। आदित्य जी आए हैं, बिंदु बाजी आए हैं, शक्ति जी आए हैं। सो बाबा साहब शुरू से हर बंदे को सपोर्ट करते हैं, मुझे तो बहुत सपोर्ट करा उन्होंने और आज पूरे मुंबई को सपोर्ट कर रहे हैं। सो माय बेस्ट विशेस टू किरण जी, बाबा साहब, बीबी जगीर कौर फॉर डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब। किरण जी क्या कहना चाहेंगे, जब मीका जैसी शख्सियत आ जाती है तो बात बहुत दूर तक जाती है, चार चांद लग जाते हैं और उससे आगे मैं क्या बोल सकती हूँ, बट आई थिंक गॉड ब्लेस यू बिकॉज वॉट एवर डैड इज डूइंग ही एड्स ऑन उन्हों एड ऑन वैल्यू दे देने, बिकॉज एवरीबडी नाउ विल नो दिस वैक्सीनेशन ड्राइव इज हैपनिंग and then a lot of people will get encouraged to do these such drives and that is what we want, we all want to be covid free and thanks to Mika Paji and Mr. GS Bawa my father that this drive is happening and may this drive happen faster in all the companies, all the places, everywhere and all of us start back with our life, normal life back again. ये फ्री में है, जी जी जी। इम्पोर्टेंट बात ये है कि आम आदमी जो
जिसको जो अफोर्ड नहीं कर सकता जिस तरह के हालात रहे हैं, इकोनॉमिकली भी हम बहुत ज्यादा टूट रहे हैं जी, कितना फायदा होगा एक आम आदमी को, जो मैं आम आदमी की बात करता हूँ, सी द क्यू बहुत फायदा होगा बिकॉज आज की डेट में सबसे जो बड़ी ज़रूरत है वो इसी चीज़ की है, एक वैक्सीन की ज़रूरत है। आई थिंक अगर पूरे हिंदुस्तान में सबको वैक्सीन लग जाएगी तो वापस हमारे शो शुरू होंगे, वापस सब कुछ सबका काम चलेगा। सो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द कोविड जाए और सबको वैक्सीन मिल जाएगी तो वैसे ही कोविड चल जाएगा। आपका बर्थडे हमेशा से बड़ा सुर्खियों में रहता है लेकिन इतना बड़ा सादगी से बनाया है, जितना मुझे पता है, इफ यू कैन रिवील समथिंग मोर अबाउट इट। एक्चुअली किरण जी ने प्लान करा था कि जो बर्थडे वाले दिन हम ये करेंगे 10 जून को, बस इतनी बारिश हो गई थी और पूरा बोर्ड बन गई थी गाड़ियाँ भी, सो हमें कैंसिल करना पड़ा। बट आज भी बहुत बारिश थी तो आज हमने फैसला किया था कि हमने आज हटना नहीं पीछे, हमने ये काम करना ही करना है। सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ किरण जी एंड बाबा साहब के इतना अच्छा काम हो रहा है, एंड खालसा कॉलेज हमेशा लोगों की मदद करता है। थैंक यू जी।